तो बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से आ रही है, जहां मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, लद्दाख में पर्यटकों को डैम चौक तक जाने की इजाज़त। LAC की जीरो बॉर्डर से डैम चौक तक जाने की इजाज़त। आसी यागजी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया, इन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताशी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जी जी, थैंक यू। ये मोदी सरकार का बहुत ही एक हिस्टोरिक दिन है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख की जो भी निवासी वहां पे रहने वाला हो, पर्टिकुलरली डेमजोक विलेज का, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हाउस होल्ड है वहाँ पे। तो ये बॉर्डर के बिल्कुल एक्सट्रीम पे डेमजोक जीरो बॉर्डर में वहाँ पे उपस्थित थे। तो काफी सालों से वहाँ से जो लोग यहाँ माइग्रेशन हो रहे, शिफ्टिंग हो रहे देश सिटी की तरफ से, अब मोदी सरकार आने के बाद खासकर बॉर्डर के लोगों को अलग से हमें मतलब ध्यान दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे फंडिंग वेटरन विलेज करके, फिर बॉर्डर का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, मतलब जितने भी यहाँ पे अभी तक फर्स्ट 2 मंथ में 4 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे विजिट हो चुका है बॉर्डर एरिया में। तो इन चीजों को लेकर हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि मोदी सरकार आप बॉर्डर के लोगों के लिए कितना मतलब अच्छे तरह से मतलब वहाँ पे लोगों के मतलब सेवा में जुड़े हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि रिसेंटली, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, कि टूरिस्ट वहाँ पे मतलब छोड़ने का अभी एक निर्णय लिया है। तो ये पूरा ईस्टर्न बॉर्डर डेमजोक तक ही जा रहा है। टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस इलाके में? ताशी जी, टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस फैसले से? जी जी जी, बहुत बढ़िया होगा जी। अभी तक ईस्टर्न लद्दाख में पंगोंग तक ही जाते हैं टूरिस्ट, पंगोंग लेक देखने के बाद वो वापस आ जाते हैं, है ना जी, एक ही लोकेशन पे जाते हैं। आप देखिए, टूरिस्ट हमें हर जगह फ्लो हो रहे, खासकर चुशुल से लेकर रिजांगला से लेकर छागा से होते हुए आप पूरा डेमजोक उमलिंगला तक जा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी हमारा ईस्टर्न बॉर्डर पे, जीरो बॉर्डर पे लोग निवासी रह रहे, उन लोगों के लिए अभी टूरिज्म का अभी एक इकोनॉमिकली हमारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि लोग वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि अभी तक कुछ फैसिलिटीज नहीं होते वहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं है, रोड कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है, टूरिज्म वहाँ पे नहीं आते हैं। तो अभी जो लोग यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन होने को अभी शुरू हो गया है, जहाँ ईस्टर्न लद्दाख के लोग अब वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ताशी जी, एक सवाल ये भी है कि जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम किए गए रहने के, क्या होटल वगैरह वहां पे हैं, या जो लोग वहां पर, मुकामी लोग वहां पर बसे हैं, उनके घरों में ही ठहरने का इंतजाम रहेगा, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी जी, अभी ये है राम जी, अभी अन्ले से लगभग 35-40 किलोमीटर है। तो अभी जब ये अभी तो शुरुआत है कि अभी टूरिस्ट छोड़ने लगा है, आप लोग वहाँ पे होम स्टे के इंतजाम कर रहे हैं, हम होम स्टे भी प्रोवाइड कर रहे हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। आप अन्ले में हमारा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे होम स्टे रहने के लिए है। तो अभी टूरिस्ट लोग है अन्ले से उमलिंगला जाते हैं, उमलिंगला होते हुए फिर डेमजोक जाते हैं, फिर वहाँ पे जीरो बॉर्डर देख के फिर वापस आते हैं अन्ले के लिए, फिर वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। फिलहाल हमारे लिए इतना ही इंतजाम है, आप आने वाले दिनों के लिए हम पूरा वहां पर भी पूरा टूरिस्ट के लिए व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताशी जी। तो ये थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी, जो इस ताल्लुक से हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी जी।